स्वागत है आपका अगस्त महीने के राशिफल में। तो स्टार्ट करते हैं अपना राशिफल मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों का ये महीना कुछ मिक्स्ड फीलिंग वाला रहने वाला है। महीने के प्रथम 15 दिनों में कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी और आपको सगे संबंधियों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है, लेकिन जो लास्ट का जो महीना रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स आपके साथ आएँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस महीने, तो इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये महीना बहुत सोच समझ कर चलने का महीना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या लव अफेयर्स में अगर आपके हैं, तो उसमें आपको र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी आँख नाक कान सभी खोल कर ही कार्य करना है, और किसी भी स्थिति में अपने लाइफ पार्टनर पर शक नहीं करना है। आपस में अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं तो उनको मिटाने का प्रयास इस महीने आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें इस महीने। छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं, खासकर से जो स्टोमच से रिलेटेड यानी कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो बाहर का खाना खाने से परहेज करें, घर का बना खाना ही खाएं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि वृषभ राशि वालों का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों का महीना पूर्णतः ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस महीने में मेरे को नहीं दिखाई देती हैं। इंपॉर्टेंट कार्य जो भी आप कर रहे हैं, जो पेंडिंग में है, वो आप इस महीने अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपको सफलता देंगे और आपके मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करेंगे। जहाँ तक आपकी डेली रूटीन की बात है, वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं है, उसको आप मैनेज करें, नहीं तो आपको हो सकता है कि कुछ अनइजीनेस या रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम महीने के द्वितीय भाग में हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैटर्स भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए सही है, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन भी खरीदने का प्लान इस महीने में कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो भी आप इस महीने में अगर आप चाहें तो बात बैठ कर उनको निपटाया जा सकता है। और एक कुल मिलाकर ये महीने में आप अपनी वाइफ के साथ कहीं पर घूमने फिरने का प्लान भी आप कर सकते हैं, और जो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको आपके सीनियर्स का भी सहयोग पूरा मिलता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए ठीक है। बात करते हैं मिथुन यानी कि जर्मनी वालों की। ये महीना आपके लिए खट्टे मीठे एक्सपीरियंस देगा। आपको लगेगा कि आपका काम हो रहा है, लेकिन काम होते होते उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिससे आपका मन व्यथित रह सकता है। व्यथित मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स में कमी आएगी, और आपके जो इम्पोर्टेंट कार्य जो पेंडिंग पड़े थे उनमें भी थोड़ा थोड़ा आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है। महीने में ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी नहीं दिख रही हैं मुझको। अन्यथा अगर अगर आप गरिष्ठ भोजन करते हैं या फास्ट फूड खाते हैं तो हो सकता है आपको भी पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होंगी कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। ट्रांसफ़र का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस महीने आपको ट्रांसफ़र मिल सकते हैं, साथ में आपकी प्रमोशन भी इस महीने दिखती है। और अगर आप सेल्स के व्यवसाय में कार्य करते हैं तो आपको इस महीने अच्छे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। लव अफेयर्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी तो ये प्रॉब्लम्स महीना ये जो महीना है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने वाला महीना होगा। धन संपत्ति के मामले में भी समस्याएं थोड़ी सुलझेंगी। नए स्रोत अगर आप देख रहे थे या नया कोई सोर्सेज देख रहे थे तो वो भी आपको मिलेंगे, और अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो ये जॉब सर्च आपकी इस महीने ख़त्म हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि कर्क राशि वालों का ये महीना कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है गले से रिलेटेड
और कान से संबंधित बीमारियां आपको इस महीने हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने अन्य राशियों में भी कहा है कि आपको गर्षित भोजन से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में और धन संपदा के मामले में भी मैं बोलूँगा कि आपके अंदर एक आदत है कि आप खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो इस महीने और आने वाले 6 महीने तक मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि खर्चा अपनी चादर के अनुसार ही करें और बहुत ज़्यादा कॉशस होके करें, क्योंकि ये आपको यही पैसा आपके आगे चलकर आपको काम आने वाला है। सामान्यतः धन इस महीने आपको आता रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से वो आएगा उस हिसाब से वो खर्च भी होने की संभावनाएं मुझे दिखती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं आपकी व्यवसाय से रिलेटेड हो सकती हैं अगर आप बिजनेस करते हैं, और अपने जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ आप अपना पूरा मैनेजमेंट करके चलें और उनके साथ बिल्कुल काम करते हुए चलें। वाणी पर संयम रखें, किसी का दिल इस महीने ना दुखाएं। कुल मिलाकर महीना ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं। मान सम्मान में वृद्धि आपकी दिख रही है और लंबी दूरी की यात्रा मैंने आपको बताया है कि आपका हो सकती है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। ये महीना आपके लिए ठीक ठाक है, स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिखती है। इन्वेस्टमेंट में जो आपकी FDR हैं या आपने SIPs जो स्टार्ट की हुई हैं उसमें आपकी वृद्धि होगी और धन का आप प्रयोग करना सीखें। अभी आप जो जिस तरह से आप धन खर्च करते हैं उसमें फिजूल खर्ची भी आपकी शामिल होती है। प्रेम संबंधों में जो प्रॉब्लम चल रही थी ये समय फिर से मैं कहूँगा कि ऐसा है कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें मिल बांट कर दूर करें और उस परिस्थिति से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें जिस परिस्थिति को आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इतना बुरा नहीं है। पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद थोड़े बहुत हो सकते हैं, ऐसा छोटी मोटी खट्टी मीठी खटपट वहाँ पर चलती रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आप मुझे नहीं दिखती है। पूजा पाठ में थोड़े आध्यात्मिक क्रियाओं में आपका मन इस महीने लग सकता है और महीने का जो लास्ट भाग है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है 15 अगस्त के बाद का। उससे पहले थोड़ी उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि और आपके हार्डवर्क से आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों के अंदर एक आदत होती है कि वो काफ़ी मेहनती होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं और उनकी अनदेखी बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो आपको फ़ौरन दिखाना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, आपका जो होम मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होम का है वो भी आपका ठीक रहेगा। अगर आप कोई नया व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आप व्हीकल खरीद सकते हैं। प्रमोशन दिखते हैं और धन संयोग के भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन जो भी कार्य आप करें पूरी होनेस्टी के साथ करें। अगर आप होनेस्टी या किसी का द्वेष भावना से कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सोमवार के दिन गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं तो इससे आपका कल्याण होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला महीना। तुला राशि वालों का ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। बनते बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं, आपको व्यक्तिगत समस्याओं से भी एक दो चार होना पड़ सकता है। अस्त व्यस्त जीवन शैली होने के कारण आपको पेट और आंखों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और जैसे ही आपको ये थोड़ी बहुत परेशानी हो मेरी सलाह यही है आपको कि आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे तो इस महीने आपकी ये वेट पूरी हो सकती है और हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र आपका हो जाए, लेकिन वो ट्रांसफ़र जो भी होगा वो आपके मन के मुताबिक शायद नहीं हो। अगर आप वेबसाइट से जुड़े हैं तो कांस्टेंट अप एंड डाउन आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे, और जो भी आपके संबंध हैं उसमें भी आपको बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली पोजीशन से हो सकता है ये गुजरना पड़े। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे आगे चलकर आपको ही परेशानी हो। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो
दाम्पत्य जीवन में इस महीने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या दाम्पत्य सुख में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। तो ध्यान से चलने का ये महीना है तुला राशि वालों के लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का, कैसा रहेगा आने वाला महीना। थोड़ा हार्ड वर्किंग महीना रहेगा आपके लिए, सोचे समझे कार्यों में थोड़ा सा हो सकता है देरी हो, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियों में भी कमी होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कमज़ोरी सिरदर्द जैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है और बाहर के खाने से आप लोग भी बचें। अगर हम इनके फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो फाइनेंशियल मैटर्स इनके अच्छे रहेंगे, नए नए रिसोर्सेज बनेंगे काम करने के। और वैसे भी 11 अगस्त के बाद जब जुपिटर कन्या राशि में आएगा तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा फलदायी होगा, उसकी वीडियो भी मैं आगे चल के बनाऊँगा। अगर आप घर चेंज करने की सोच रहे हैं या नया संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो आप वो बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में जो दुविधा चली आ रही थी उसमें वो अब समाप्ति की ओर है और आप जल्दी ही देखेंगे कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो व्यवसाय करते हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम सब चल रही थी वो धीरे 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 कम होंगी और उनके व्यापार में भी पॉजिटिविटी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना इनके लिए ठीक है, शुरुआत के कुछ दिन हैं जिसमें आपको प्रिकॉशन लेना है। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि का प्रथम के जो 15 दिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, लास्ट के जो 15 दिन हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें वही प्रॉब्लम होंगी कि जो टाइम पे आप सोच रहे हो काम करने का वो काम उस टाइम पे ना होके थोड़ा लेट होगा, इससे मन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपकी आ सकती है। लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी कॉम्पिटिटर्स आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। पेट से संबंधित बीमारियों पर ध्यान दें, यात्रा करते समय एंटीबायोटिक्स अपने साथ रखें और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी अगर आपको लग रही है तो आप उसको दें। आर्थिक क्षेत्र के मामले में अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल मैटर्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छा कार्य काम करेंगी, उनमें थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं तो। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो वो बैंक के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, लेकिन अगर आपने मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो आपको उसमें इंक्रीमेंट्स दिखेंगे। लेकिन यही बोलूँगा किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय इस महीने ना लें। ऑफिस में अगर कोई बॉस से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम इस महीने कम होंगी, वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। और आपको भी ये चाहिए कि उन जो मैटर्स आपके चल रहे थे बॉस के साथ उनको आप अच्छे से निपटा पाएं। दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक रहेगा, प्रेम संबंधों में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हम बात करते हैं मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों का ये महीना अच्छा रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। घर वालों का और सगे संबंधियों का, रिलेटिव्स का, सबका साथ आपको मिलेगा। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होकर चलें अपनी खान पान के उसमें। आर्थिक मामलों में थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, खर्चे इस महीने आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो या पेन ही क्यों ना हो, उसमें बहुत ही ध्यान से खर्चा करें, बहुत सलाह लेकर आप खर्चा करें। नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा वाक्य अपने बॉस को ना बोलें जो आपको परेशानी दे। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान इस महीने रखते हैं तो कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपने टेम्पर के ऊपर ध्यान रखना है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का ये महीना मिश्रित है, यानी कि मिक्स्ड है। विरोधियां थोड़ा बहुत हावी आपके ऊपर हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रख सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है और आँख नाक कान सब खोले रख के ही आपको कार्य करना है। फाइनेंशियल मैटर्स इस महीने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपने लोन लिया है या आप किसी को लोन देने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही विचार कर लें, हो सकता है जिसको भी आप पैसे दे रहे हैं वो पैसे आपके शायद वापस नहीं आए। हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स को सुधारने के लिए आप
कोई संपत्ति या कुछ वाहन आप अपना सेल ऑफ करने का सोचेंगे, वो भी करने से पहले 10 बार सोचें, उसकी ज़रूरत हो तभी आप उसको बेचें। अगर आप कहीं से पैसे अरेंज कर सकते हैं किसी की उधारी देने के लिए, तो वो आप पहले अरेंज करने की सोचें रादर देन कि आप बेचने की सोचें। अगर आप ऑफिस में हैं, नौकरी करते हैं, इस महीने आपके पास काम की अधिकता रहेगी, आपके पास काफ़ी काम होगा और इस महीने आप पूरे महीने आप बिजी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो वो भी आपका बहुत नॉर्मल है, कोई एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं है इस महीने, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे महीने बढ़ने वाली है। तो घबराएं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस का सामना डट कर करें। बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। महीने का पहला भाग अच्छा है, दूसरे भाग में थोड़ी सी परेशानियां आपको आ सकती हैं। ऐसे कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत पेशेंस के साथ अगर आप चलते हैं और अपने ऊपर विश्वास कर कर आप अगर चलते हैं, तो आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, बरसात का मौसम है, ध्यान से चलें। धन के नए नए स्रोत बनेंगे और आपको संपत्ति क्रय विक्रय में जल्दबाजी नहीं करनी है। वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो अब धीरे धीरे हल होंगी, कोई नई समस्या आपको नहीं मिलेगी। बस आपको प्री प्लान करने की ज़रूरत है और प्री प्लान के साथ ही चलने की ज़रूरत है। कुल मिला के महीना ठीक है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आप सभी का अगस्त माह का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी राशि इसमें है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली, आपकी न्यूमरोलॉजी और आपकी पामिस्ट्री मैं करूं, तो आप मुझसे भटनागर अभी 2411@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411848508, इस नंबर पर फ़िलहाल कॉल ना करें क्योंकि ये नंबर अभी बंद है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप अभी चालू है। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, astrologyjunction.com, abhishekbhatnagar.com.in एंड आप मेरे न्यूमरोलॉजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी पर्सनल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारा का सारा पेड होता है, आपको उसकी फीस देनी होगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल एनालिसिस आर पेड, इट्स नॉट अ फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करिए, लाइक करिए।